वेलकम बैक टू माय हीरो चैनल। यार कैसे अपनी वैम फैमिली, फाइनली हम लोग एक और तहलका लेके आ चुके हैं। मेरे सामने जो बाइक आप देख रहे हो ये है कावासाकी की Z900 और यहाँ पे पुनीत भी मेरे साथ है। सर कैसे हो? वेलकम सर। सर एक चीज बताएं, आज का टॉपिक जो हमने चूज किया है थोड़ा सा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर बाइक के ऊपर आएंगे क्या क्या चीजें इसमें करी है। देखो ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बाइक है आज के टाइम में, हम देखें तो 900 सीसी में जी, और इसकी एक्सेसरीज की काफी टाइम से डिमांड आ रही थी और मार्केट में नहीं थी। हाँ नहीं थी, बहुत ज्यादा रेट पे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मिल रहा था। ठीक है, हम बहुत अच्छे रेट्स पे लेकर आए हैं और पूरी वैरायटी है, आप कह सकते हो कि वन इन इंडिया, वन ओनली वन इन इंडिया, क्योंकि इतनी भरी हुई बाइक मैंने Z900 आज तक ना सोची थी और ना ही देखी थी। आते ही मैंने बोला भैया क्या ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि पहले भी जब नेकेड बाइक भी रहती है ना तो ये तब भी ट्रांसफॉर्मर जैसे लगती है और अब तो ये कुछ अलग ही लग रही है। तो भैया आगे से कवर करना शुरू करते हैं एक बार। आगे से चलते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो फॉक्स स्लाइडर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्योर एल्युमिनियम के अंदर है और इसका काम यही है अगर बाइक स्लाइड होती है तो ये जो फॉक है ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग कलर वेरिएशन भी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये आते हैं हम विंगलेट्स पे, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है और एरो विंग्स है, आप देख सकते हो उसकी लुक भी कितनी प्यारी है। इसका यही है कि जब बाइक जाती है तो थोड़ा सा बैलेंस भी बना रहता है, इससे एग्रेसिव भी लगती है और बैलेंस तो बना रहता ही है। उसके बाद ये है बबल वाइजर, इसके अंदर 3 से 4 वैरायटी है लेकिन ये सबसे ज्यादा इसमें प्यारा लगता है। इसमें स्मोक भी है, क्लियर भी है, ये मैट फिनिश के अंदर आएगा। आपको जिस तरीके से लगवाना है आप उस तरीके से लगवा सकते हो। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये है एरो विंग्स, ये वन इन इंडिया आप कह सकते हो, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी इसके अंदर लुक आ रही है, परफेक्ट। और ये इचिंग इसके अंदर हुआ है कार्बन का। ठीक है, ये बाकी कलर्स ऑप्शन भी है हमारे पास, ग्रीन मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, ब्लू, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये डबल टेप से भी चिपकेगा और इसमें स्क्रू भी करवा सकते हो आप, ये सबसे अच्छी चीज है। हाँ, हाँ। एक बार आपने वन टाइम करवाना उसके बाद ये कहीं जाएगा नहीं, ये इसकी मेन USP है। ठीक है, ओके। फिर इसमें ये फॉग लाइट्स लगी हुई है, प्लग एंड प्ले है, कोई वायरिंग कटिंग नहीं है। ठीक है, और मेन जो आप देख सकते हो ये सबसे ज्यादा जो नीड होती है एक बाइक में ये है फॉक्स, ये फ्रेम स्लाइडर। ठीक है, हाँ सुपर बाइक्स में ज्यादातर फ्रेम स्लाइडर्स लगवाते हैं, बाकी चल जाते हैं सारी चीजें, जो भी लगवाना चाहे लगवा सकता है। फ्रेम स्लाइडर का ऑप्शन भी है हमारे पास, क्रैश गार्ड का भी ऑप्शन, क्रैश गार्ड की इसमें हमारे पास आने वाला है। ठीक है, हम इमेज दिखा देंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। और चीजें भाई, चीजें इतनी सारी है ना बाइक में कि छोटी मोटी मुझे पता है रह ही जाएंगी, तो भैया एक बार आप बताना चाहो कि और क्या क्या चीजें हमें इसमें हाईलाइट करनी है। ऊपर वो हैंडल के वाले पार्ट से हम चलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो एकदम लेटेस्ट ये लीवर प्रोटेक्टर आया है इसका, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के अंदर है, बेसिक हर जगह मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन ये इस बाइक के हिसाब से आप कह सकते हो प्रीमियम है काफी। और मेरे को एक और चीज अच्छी लगती है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो एलेंकी पे होते हैं, तो आपके पास अगर एलेंकी है बाय चांस ये लूज भी हो जाता है तो आप कहीं पे राइड पे या फिर आप ट्रिप पे कहीं पे भी आप इसको टाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। फिर ये इसके लीवर है। ठीक है, गियर एंड क्लच लीवर ये है एडजस्टेबल में, एक इसमें फोल्डिंग ऑप्शन आता है, वो क्या होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है, तो बाय चांस आपकी बाइक स्लिप करती है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक तो नहीं, पर हाँ अगर आपके लीवर्स बचने होंगे तो वो अपने आप ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, उसके बाद ये डिस्क की कैप है। ठीक है, इसमें भी जैसे रेड है बाइक तो रेड की थीम है, इसमें ग्रीन भी मिल जाएगा सारा पावर पार्ट्स। ठीक है, एक ये इसमें एंटी ग्लेयर मिरर लगाए हुए हमने, ये रात में काफी काम आता है यार, मतलब लाइट आपके सीधा आंखों पे नहीं चुभती है और एडजस्टेबल तो ये है ही। हाँ जी, आगे पीछे आप कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, और इसका लुक भी बहुत सही है। ये है रेडर ग्रिल, हां ये हनीकॉम डिजाइन के अंदर हम लेकर आए हैं, एल्युमिनियम के अंदर है, प्रॉपर फिटिंग है, प्रॉपर और बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग है इन सब की। इन सब की आपकी प्राइसिंग जाननी हो तो ये हमारा वेबसाइट है pjxpitstop.com, उसमें आप सब कुछ देख सकते हो, सारे एक एक इंडिविजुअल पार्ट्स डले हुए हैं। और अगर आपको प्राइसिंग चाहिए तो यार एक बार चले जाओ, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग बताना तो इस वीडियो में इम्पॉसिबल है। भैया अगर हम ग्रिप्स की बात करें तो ग्रिप्स भी आपके पास मतलब एंडलेस लेवल की है, ये रेड के साथ है, फिर कोई अगर कार्बन शेड में जाता है तो कार्बन के अंदर हमारे पास बहुत बढ़िया ग्रिप आया है। ठीक है, और गोल्डन में भी है, ब्लैक में भी है, जैसे आपकी बाइक की थीम है उस अकॉर्डिंग कलर मिल जाएंगे, मॉडल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वैरायटी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो सारी चीजें बताना इस बाइक के अंदर तो मुश्किल है, वेबसाइट जब चेक करोगे सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, अगर हम ये टैंक पैक्स की बात करें, एक बार आप टैंक पैक देखिए, इसमें भी भाई आपको 3 से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब हर चीज आपकी बाइक के हिसाब से, आपकी बाइक के कलर थीम के हिसाब से सारी चीजें लग जाती है। बहुत अच्छे प्राइस के अंदर लेके आया, इसका वैसे प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है, तो एक बार आप कावासाकी के शोरूम में चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइसिंग होती क्या है। भाई यहाँ पे आपको आधे रेट पे तो नहीं, पर हाँ जितना भी रीजनेबल रेट होगा भैया हमारे जो भी आएगा ना नाम लेके, रेट प्लस क्वालिटी दोनों चीजें, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसके ये हैंड ग्रिप्स की बात करें, ये हो गई, उसके बाद पावर पैड्स की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बाइक में लगाई है, एक बार उसके ऊपर चल रहे हैं, आप देख सकते हो तहलका है भाई। ये तहलका है,
ये डुकाटी के अंदर जो लगता है क्लियर क्लच कवर, वो हम Z900 के लिए लेकर आए। एक बार आपको मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा इसकी लुक कैसे आती है। ओनली वन इन इंडिया बोल सकते हो भाई, पहली बाइक है जिसमें ये लगा हुआ है। और एक बार देखो बाइकर के लिए ना, इससे खुशी की चीज कोई नहीं हो सकती भाई, इससे सुंदर चीज तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। मैं इसकी लुक भी इतनी डिफरेंट है कि आपकी बाइक लिमिटेड एडिशन लगेगी ये लगाने के बाद। अभी भैया भाई कह भी रहते हैं सन्डर राइड पे लेके जाऊंगा तो अलग ही तहलका हो जाए, क्योंकि ऐसी बाइक ओनली वन इन इंडिया। और अगर आपको करवानी है तो करना क्या है, आना है आपको PGX करोल बाग। और भाई अगर हम कॉस्टिंग का थोड़ा सा बता दें, अगर जो थोड़ा बहुत आइडिया बता दें कॉस्टिंग में, आपको इसी प्रोडक्ट का बता देता हूँ। हाँ। ये 50,000 से 60,000 इन बिटवीन मिलेगी, जो भी प्राइसिंग अप डाउन होते हैं। ठीक है। हाँ ओके। और वैसे 1,00,000 से ऊपर की इसकी कॉस्टिंग है, तो हम बहुत रीजनेबल प्राइस में लेकर आए हैं। और भी बाइक्स के लिए आने वाली है। क्या बात है यार, और भी बाइक्स के लिए आने वाली है। कलर्स की बात करें तो कलर इसमें ग्रीन में मिल जाएगा, ग्रीन थीम के अकॉर्डिंग। ठीक है। और दूसरा रेड है। ठीक है। अगर हम पीछे यहाँ पे पार्ट्स की बात करें, यहाँ पे मेरे को एक आप देख सकते हो, ये फिश पत्ती है इसकी। हाँ। ये रेड कलर में है। ठीक है। ये भी एनहांस कर रही है लुक काफी। एक ये डिस्क ऑयल की कैप है। ठीक है। एक ये एग्जॉस्ट स्लाइडर है, मतलब ये बेसिकली जो फॉक्स स्लाइडर एग्जॉस्ट स्लाइडर, ये पूरी बाइक को आपके एग्जॉस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और एक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ। जैसे सिंगल राइड के लिए हम पिलियन हटा देंगे सीट, और ये सीट काउल लग जाएगा। क्या बात है। तो ये सीट काउल में भी आपके पास कलर है। हाँ, इसमें कलर है, कार्बन है, ग्रीन है, ग्रीन है। क्या बात है, क्या बात है। और भी कुछ रह गया भैया बाइक में? हाँ, अभी रह गया, अभी रह गया। ये टेल टाइडी लगाई हुई है, जो हम शॉर्ट मांगते हैं लोग, पीछे काफी बड़ा कंपनी का आया होता है, तो उसको हटाने के बाद ये लुक बहुत अच्छी आ जाती है। नेकेड वाली फील आ जाती है। हाँ, नेकेड फील आ जाती है। और इसका जो सॉल्यूशन है, जो पानी कीचड़ उसको हटाने के बाद होता है, उसके लिए हम ये टायर हगर लेकर आया। क्या बात है, प्रॉपर कंपैटिबल है इसी बाइक के लिए। ठीक है। और आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग, इसकी लुक, और इसकी कितना अच्छा कंपैटिबल है बाइक। इसके अलाइनमेंट आप देख सकते हो, प्रॉपर टायर के ऊपर परफेक्ट आ रही है फिटिंग, मतलब बाइक को भर नहीं रहा है ये। हाँ। बहुत स्लीक सा बना हुआ है और नेकेड लग रही है बाइक। हाँ, नेकेड लग रही है। ठीक है। और एक ये इसके अंदर हम टेल लाइट लेकर आए हैं। ये भी चेंज है। हाँ, ये भी चेंज है। ठीक है। और इसमें जैसे ही हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तेज हो जाएगी लाइट। ये देखो। और इंडिकेटर देने पे अब देखो क्या बात है यार, ये हाईवे वाले जो चीजें है ना, इतनी सही लगती है ना, जब जाएगी ना तो तहलका ही मचा देगी। बाकी हमने इधर से एक तरफ से बाइक पूरी की पूरी कवर कर ली है। अगर हम इधर की बात करें तो इधर भी कुछ है। हाँ, इधर आप देख सकते हो दोनों साइड है ये स्पूल्स। हाँ। जो कि ये पेडॉक स्टैंड के लिए आते हैं सुपर बाइक्स में, बहुत। हाँ। जरूरी सबसे पहले ये पेडॉक भी है हमारे पास, जिसके साथ दो फिटिंग मिलेगी। एक ये स्विंग आर्म की फिटिंग है, एक स्पूल्स की फिटिंग है, जो ये स्पूल्स लगे। हाँ, फ्लैट। ठीक है, ओके भैया। और अगर हम पावर पार्ट्स की बात करें तो एक ये साइड स्टैंड जैकेट है। ठीक है। ये बहुत मस्ट है बाइक के लिए, इससे बैलेंस प्रॉपर रहता है, बाइक गिरती नहीं दूसरी। हाँ, ठीक है, ओके। और एक पॉइंट पे और लेके चलूंगा, ये बहुत जरूरी पार्ट है, ये है GB रेसिंग का क्लच कवर। ठीक है। जैसे उस साइड हमने क्लच कवर क्लियर लगाया हुआ है, तो वो उस साइड भी लग जाएगा, वो दिखा नहीं सकते थे। तो ये इसकी जो खासियत ये है, अगर ये बाइक गिरती है तो आपका जो चैम्बर है ना, उसको प्रोटेक्ट करेगी, अंदर क्रैंक असेंबली होती है, उसको इफेक्ट नहीं आएगा बिल्कुल, और स्क्रैच से भी बचाएगी और लुक भी एनहांस करती है। ये चीज भी आजकल प्रोटेक्शन के लिए बहुत। और अगर ये खराब भी हो गई तो भाई मतलब हटा के फेंक दो। हाँ। उसके बाद नहीं लगवा लो, नया लगवा लो, क्योंकि अगर हाँ। इस पे आया ना कुछ पार्ट पे वो तो फिर तो लाखों का बिल है, सीधा लाखों का बिल है। तो यार देखो, बाइक में बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, हमने आपको एक एक चीज बताई, वीडियो लंबी भी हो गई होगी बट मेहनत भी बहुत लगी, क्योंकि एक एक चीज बतानी और याद रखनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो भैया इसके लिए तो आपको मैं थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ भूल ही जाता। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है एक बाइकर के लिए, या कोई अगर सुपर बाइक ओन कर रहा है या फिर नहीं ओन कर पाता पर उसको अच्छी बहुत लगती है, तो वो होती है उसकी आवाज़। तो यहाँ पे हमने SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगवा रखा है, तो एक बार इसकी आवाज़ सुनते हैं। और भैया कर दो फिर एक बार चालू, एक बार ऑन करके एक सेकंड के बाद आपको आवाज़ सुनाऊंगा। ठीक है, ओके। इसको गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है भाई। क्या बात है यार, क्या बात है। ट्रेलर है, इसकी पिक्चर आएगी बहुत जल्द, बहुत जल्द। एग्जॉस्ट हम आपको लगा करके आवाज सुनवाने वाले हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो को भी बता देते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जॉस्ट दिखाने वाले हैं हम इस बाइक पे इंस्टॉल करने के बाद। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप। अगर आपको अच्छी लगी हो तो करना क्या है, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है। और अगर आपको कोई भी आइटम चाहिए तो करना क्या है, वो ऊपर वेबसाइट लिखी हुई है, आप उस पर जा सकते हो। और सारे प्रोडक्ट्स डले हुए हैं प्राइसिंग के साथ, तो आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दे दूंगा, लोकेशन दे दूंगा, और एक और चीज़ दे दूंगा, वो है कॉन्टैक्ट नंबर।
तो कॉल कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज भैया, डिलीवरी के बारे में आप कुछ बता रहे थे। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है हमारी, और प्रीपेड ऑप्शन है, सीओडी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेफ है। सेफ है भाई, सेफ है। जहाँ की वीडियो हम बना रहे हैं सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे रैप अप। अगर आपको अच्छी लगी हो तो करना क्या पता है। तो मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।